दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित पारिक और आप देख रहे हैं बर्ड्स विद मोहित यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? किसी भी तरह के बर्ड्स को रखने से पहले हमें उस बर्ड के बारे में बेसिक जानकारी होना काफी जरूरी है कि ये बर्ड्स मेल है या फीमेल है, इसकी उम्र कितनी है, इसे खाने में क्या क्या चीजें पसंद है, इसे कौन से टेम्परेचर में कौन से वातावरण में रखना है, इसे क्या चीज पसंद है क्या चीज पसंद नहीं है, इसे किस साइज के पिंजरे में रखना होता है, ये ब्रीडिंग कैसे और कब करता है, तो सभी जानकारी हमारे YouTube चैनल पर प्रत्येक वीडियो में मिलती रहती है। तो अगर आप एग्जोटिक बर्ड रखते हैं या रखना पसंद करते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम किसी भी एक बर्ड के बारे में बात नहीं करते, हम प्रत्येक वीडियो में अलग अलग तरह के बर्ड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मेरे पास में 12 तरह के एग्जोटिक बर्ड है, धीरे धीरे मैं और भी उसमें कई प्रजातियां कई म्यूटेशन ऐड कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मोस्टली हम बात करने वाले हैं जावा स्पैरो बर्ड के मेल फीमेल डिफरेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे जो आप बर्ड सेटअप देख रहे हैं ये जावा फिंच बर्ड का है और मुझे जावा फिंच रखते हुए लगभग 1.5 साल का समय हो चुका है। तो हमारे काफी सारे भाइयों का कहना था कि मोहित भाई, आपको काफी समय हो चुका है जावा फिंच रखते हुए, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि इसमें मेल फीमेल का डिफरेंस कैसे पता करें, कैसे हम ये जाने कि मेल फीमेल का क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को मेरा खुद का बताता हूँ एक्सपीरियंस कि मैं कभी भी कोई भी बर्ड परचेज करता हूँ तो मैं बच्चे परचेज करता हूँ, पट्ठे परचेज करता हूँ, ना कि एडल्ट और ब्रीडिंग पेयर। और जब मैंने जावा फिंच के जोड़े परचेज किए थे उस समय शायद मैंने 8 से 10 जोड़े परचेज किए थे। हाँ, और मैंने जब खरीदने से पहले मैंने ये नहीं कहा था कि भाई मुझे 10 मेल और 10 फीमेल चाहिए, मैंने ऐसा कहा था कि 10 जोड़े दे दो या फिर 20 पीस दे दो। मैंने कोई भी तरह से जिससे मैंने लिए उस पर दबाव नहीं दिया कि इतने मेल और इतनी फीमेल चाहिए, या मैंने भी ये गौर नहीं किया आने के बाद कि इतनी मेल है इतनी फीमेल है। क्योंकि आप कोई भी बर्ड ले लो, अगर वो पट्ठे होंगे तो हम 100% श्योर नहीं हो पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है। जब बर्ड्स ब्रीडिंग एज में आता है तो बर्ड्स क्या है कि अपने आप से ब्रीडिंग मूवमेंट करने लगता है, उन मूवमेंट को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन हमारे जो नए पक्षी प्रेमी भाई है वो मूवमेंट को देखकर ये पता नहीं कर पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो उनको ये पता लगाने के लिए बर्ड्स को जो पकड़ के देखना होता है डिफरेंस क्या होता है मेल फीमेल में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ। लेकिन कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जिसमें पकड़ने से पता नहीं चलता, जैसे बड़े टाइप के बर्ड हो गए, कनूर बर्ड हो गए, या कई भाइयों को लव बर्ड्स जो हाई म्यूटेशन होती है उनमें वो पता लगाते हैं लेकिन श्योर नहीं होते, तो फिर वो DNA करवाते हैं। बर्ड्स के बॉडी के ऊपर जो फेदर सैंपल होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और DNA सेंटर भेजते हैं, वहां से DNA होकर आते हैं, 100% श्योर वो कहते हैं कि भाई ये मेल है और ये फीमेल है। तो इस तरह से दोस्तों मेल फीमेल का पता लगाया जाता है। बात करते हैं जावा स्पैरो बर्ड में, तो मेरे पास में 4 तरह की जावा बर्ड रखी हुई है, व्हाइट जावा, सिल्वर जावा, ग्रे जावा, फोन जावा। दोस्तों इसमें अगर बात की जाए कि ज्यादा डिमांड कौन सी जावा बर्ड की रहती है तो व्हाइट जावा और फोन जावा की ज्यादा डिमांड रहती है, उसके बाद सिल्वर जावा और ग्रे जावा की डिमांड मार्केट में काफी कम है, लेकिन ग्रे जावा सबसे अधिक ब्रीडिंग करती है, जिनको कॉमन जावा कहते हैं शायद। लेकिन दोस्तों मैं प्रॉपर एक ब्रीडिंग पर्पज या सेलिंग पर्पज से बर्ड नहीं रखता हूँ, या व्यू ऑफ बिजनेस के पर्पज से बर्ड नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए बर्ड रखता हूँ। तो ये एक पोर्शन मैंने जवा का बनाया, इसी के साथ ये टोटल 6 पोर्शन है फिंच बर्ड के बना रखे हैं, जिसमें गोल्डन फिंच भी है, ओल फिंच भी है, सोसाइटी फिंच है, व्हाइट फिंच है और जेब्रा फिंच। दोस्तों सबसे अधिक ब्रीडिंग फिंच बर्ड में व्हाइट फिंच या जेब्रा फिंच करती है, उसके बाद सोसाइटी फिंच और जावा फिंच भी काफी अच्छी ब्रीडिंग करने वाले बर्ड होते हैं। तो बजीस पैरेट रखने वाले भाई भी आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि बजीस पैरेट के बाद सबसे ज्यादा ब्रीड करने वाला बर्ड होता है जावा बर्ड और फिंच बर्ड। दोस्तों मेरा कहना है इस बार आप भी जावा फिंच अपने बर्ड सेटअप में जरूर ऐड करें, तो आप ये पता करें कि मेल फीमेल की कैसे पहचान की जाती है। दोस्तों अगर बर्ड को दूर से देखा जाए, अगर वो मेच्योर है ब्रीडिंग के लिए, एडल्ट है यानी 6-7 महीने की एज का जावा बर्ड है, तो उसकी आप एक्टिविटी देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि जो मेल होता है वो अलग तरह की आवाज निकालता है, यानी गुनगुनाता है, गाता है, अलग अलग आवाजें निकालता है,
हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी फीमेल बर्ड को गा करके बोल करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये गुण होते हैं मेल बर्ड में, और जो फीमेल बर्ड होती है वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती, नॉर्मल आवाज में बोलती है। मेल बर्ड जो होता है वो स्टिकों के ऊपर कूदता है, खास तौर पे ब्रीडिंग के समय में। अभी ब्रीडिंग नहीं हो रही है तो कोई भी मेल को मैं कूदते हुए नहीं देखता हूँ, लेकिन ब्रीडिंग के समय में मेल बर्ड स्टिक के ऊपर कूदता है, फीमेल को अट्रैक्ट करता है। मेल काफी एक्टिव होता है, एग्रेसिव मूड में रहता है, मेल का साइज फीमेल से बड़ा होता है। ये तो हो गई नॉर्मली जनरल बातें जो कि हम देखकर पहचान कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जावा का एक पेड़ निकालता हूँ, पकड़ के आपको नजदीकी से बताता हूँ कि मेल फीमेल का फर्क क्या होता है। तो दोस्तों, काफी सारे आपने इंटरनेट पे फोटो देखे होंगे जिसमें दो जावा पकड़े हुए हैं, उसमें चोंच का फर्क बताते हैं, आंग का फर्क बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, मैंने अभी तक अगर सही बात करें तो कभी भी ये काउंट नहीं किया है कि कितने मेल है और कितनी फीमेल है। जो बर्ड आए थे वो पड़े हैं, जो ब्रीडिंग हुई, जो कलर मुझे पसंद आए वो मैंने रख लिए, लेकिन हमें ये जानना जरूरी होता है कितनी मेल है कितनी फीमेल है, क्योंकि काफी बार क्या होता है जैसे फीमेल तीन है और मेल दस है, तो फिर ब्रीडिंग तो तीन फीमेल ही करेगी, वो बाकी के जो सात मेल है वो एक्स्ट्रा है। तो ऐसे में हमें बराबर मेल बराबर फीमेल रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं पकड़ता हूँ एक जोड़े को, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। तो दोस्तों, फाइनली मैंने एक सिल्वर जावा का जोड़ा पकड़ लिया है आप सभी को दिखाने के लिए, और मैंने जोड़े को जो है वो पास पास में रखा है और आपको कुछ फर्क बताऊंगा। दोस्तों, आप देखेंगे ये सिल्वर जावा बर्ड है जो कि दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, सभी जो जावा फिंच है उसमें चोंच को देखकर ही मेल फीमेल का कंफर्म किया जाता है। दोस्तों, बारिश आने के बाद अचानक बारिश का रुकना, और आज दोपहर का समय है तो फिंच बर्ड को थोड़ी सी गर्मी लग रही है। जल्दी से आज के इस वीडियो को खत्म करेंगे, आप सभी को मैं समझा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए राइट वाले को, राइट वाला जो है ये मेल है और लेफ्ट वाली जो है ये फीमेल है। फर्क क्या क्या है, चलिए सबसे पहले इसका आप सर देखिए दोनों का। दोस्तों, इसका जो सर है वो डार्क है, इसका सर जो है वो लाइट है। ये दोस्तों फर्क पता चलता है सिल्वर जावा में खास तौर पे, और चोंच के फर्क से हम सभी जावा बर्ड में जो है वो मेल फीमेल का डिफरेंस पता कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों की आप चोंच देखें, दोनों की चोंच में आपको फर्क दिखाई देगा। ये वाला ज्यादा डार्क है चोंच, इसका इसका चोंच लाइट है। दोस्तों, चोंच की शेप में भी फर्क है, इसकी जो चोंच है वो आप देखें ऊपर से उभरी हुई है, ऊपर के जो है वो आगे आई है और इसकी चोंच उभरी हुई नहीं है। दोस्तों, चोंच में आपको साफ साफ फर्क दिखाई देगा, चोंच का कलर भी डार्क है, इसका कलर जो है वो लाइट है। ये वाली फीमेल है और ये वाला मेल है। दोस्तों, चोंच का फर्क आपने देख लिया, इनके सर के फर्क आपने देख लिए, और इनके दोस्तों आईज के साइड की आप रिंग देखें, आईज के आंख के साइड में जो रिंग होती है, ये रिंग आप देखें, जो मेल है इसकी रिंग जो है वो थोड़ी सी मोटी है, उभरी हुई है, चौड़ी है और गहरी डार्क है, और ये फीमेल की आप रिंग देखें। दोस्तों, फीमेल की रिंग एकदम हल्की लाइट है, पतली है और ज्यादा उभरी हुई नहीं है, फीके कलर की है, लाइट कलर की है। तो ये दोस्तों मेल फीमेल का नॉर्मली फर्क होता है, और बाकी तो कुछ फर्क मैंने आप सभी को दिखाई दिए। अगर आप व्हाइट जावा में ग्रे जावा में इसका फर्क पता करना चाहते हैं तो आप चोंच को देख के करें, उनकी आईज को देख के करें, उनकी एक्टिविटी को देख के करें। तो अभी जोड़े को वापिस छोड़ देते हैं वहीं कॉलोनी में। तो दोस्तों, ये आपको मैंने दिखाई मेल फीमेल की पहचान, और अभी जोड़े को छोड़ देते हैं कॉलोनी में। तो दोस्तों, ये जोड़ा काफी परेशान हो गया बेचारा, तो इसको हमने छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद आप देखें कि जाकर के स्टिक के ऊपर बैठ चुका है ये मेल, और फीमेल भी जाकर के बैठ चुकी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से बर्ड की इंफॉर्मेशन पर, इसी तरीके से दोस्तों बर्ड की प्रत्येक जानकारी पर वीडियो बनाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़े, और आगे हमें सजेशन भी दें कि हमें कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, और हमारे बर्ड सेटअप पर कौन से नए बर्ड एड करने चाहिए, बर्ड सेटअप को कैसे बढ़ाना चाहिए, किस तरह का सेटअप बनाना चाहिए, सभी टॉपिक पर आप कमेंट करें। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, और आप सभी के कमेंट के आधार पर ही आगे के वीडियो बनाया करता हूँ। धन्यवाद।